पहले राज्यसभा का पत्ता कटा, फिर केंद्रीय मंत्री का पद हाथ से गया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा और आखिरकार आरसीपी सिंह ने भारी नाराजगी के साथ जेडीयू से अपना इस्तीफा दे दिया। मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ, चिट्ठी में भी भेज दूँ। बिल्कुल बताइए सर, रामचंद्र बाबू जिंदाबाद। मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी? आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? देखो दो आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम की शुरुआत जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की ओर से लिखी गई चिट्ठी से हुई, जिसमें अकूत संपत्ति को लेकर आरसीपी सिंह से सफाई मांगी गई थी। चिट्ठी में साल 2013 से 2022 के बीच 58 संपत्ति बनाने का आरोप लगाया गया है। इसमें नालंदा जिले में खरीदी गई 40 बीघा जमीन भी शामिल है। आरसीपी सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की चिट्ठी का जवाब तो नहीं दिया, सीधे इस्तीफे का ऐलान कर दिया और इस बहाने उसी पार्टी पर हमला बोल दिया जिसके वो कुछ समय पहले तक अध्यक्ष थे। पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है, साल भर से कार्यक्रम क्या है क्या? जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आरसीपी सिंह से जवाब तलब के बाद ही माना जा रहा था कि वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए भविष्य के कदम का संकेत दे ही दिया था। जीरो टॉलरेंस की बात नहीं होती तो इस तरह से इस मामला को सार्वजनिक हम लोग थोड़े करते या उनसे सवाल थोड़े पूछा जाता। इससे तो स्पष्ट है कि बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर हम लोग चलते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेडीयू ने अपने ही नेता के खिलाफ मोर्चा खोला तो बिहार की सियासत गरमाई हुई थी। आरजेडी ने इसी बहाने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी ने सभी जुबान में ही विपक्ष पर हमला बोला। राजद इस बात को लगातार कहता रहा कि अपने रसूख का इस्तेमाल करके आरसीपी सिन्हा बिहार में टैक्सों की राही दोनों हाथ से कर रहे हैं और इनके इर्द गिर्द रहने वाले 2-4 लोग जो लोग इनको सहयोग कर रहे थे, एक दो तो नालंदा से ही वास्ता रखते हैं, उन तक भी अगर जांच की लपटे जाएगी तो और चीजें खुल करके सामने आएगी। ये उनके दल के बड़े नेता और उनके अंदर का ये विषय है, उस पर हम लोग को बोलना उचित नहीं है, लेकिन आरोप लगाना और आरोप जिस पर लगा है उसका जवाब सुनना ये भी जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास थे, पार्टी में उनकी कूटी बोलती थी, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, केंद्रीय मंत्री के पद पर पहुंचाया गया, लेकिन वक्त बदलने के साथ उनकी ही पार्टी के नेताओं के सुर बदल गए। भ्रष्टाचार के आरोपों से बढ़ती हुई बात आरसीपी सिंह के इस्तीफे तक पहुंच गई। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो रोहित हमारे साथ लगातार मौजूद है और ये देखिए ये वाकई रोहित चौंकाने वाला था। क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती थी कि अगर जवाब मांगा जाता है भ्रष्टाचार पर तो आरसीपी सिंह इस्तीफा ही दे देंगे सीधे, या फिर उस पर पहले जवाब देंगे, या कोशिश कर सकते थे कि व्यवहार कुछ अच्छा हो जाए और स्थितियां कुछ दिन के बाद ऐसी बने कि इस्तीफा देना पड़े? देखिए, जब आरसीपी सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो ऐसा लगा कि जैसे उनके सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया पिछले 6-8 महीने में नीतीश कुमार और आरसीपी के बीच रिश्ते जो हैं खराब हुए हैं, उसके बाद तो ऐसा होना माना तय माना जा रहा था, बस वक्त का इंतजार था। और आज जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो वो लग रहा था कि जो कहते हैं ना फाइनल नेल इन द कॉफिन, जिसे कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील है, वो ठोक दी गई। उसके बाद आरसीपी सिंह ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर अपने स्पष्टीकरण भी जो है वो दिया है मीडिया के सामने। वो कह रहे हैं कि उनके जो तमाम जो प्रॉपर्टीज दिखाई जा रही हैं उनकी बेटियों के नाम पे, उनके पत्नी के नाम पे, वो सब इनकम टैक्स पेयर्स हैं, वो लोग 2010 से 2009 से जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रही हैं और सब चीज का जिक्र जो है उसमें किया हुआ है और उनके नाम पर कोई संपत्ति ऐसी नहीं है जिसको लेकर जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि ये पूरा जो आज का वाकया हुआ था वो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के जो इमेज है उसको डेंट करने के लिए, उसको उनकी फजीहत करने के लिए जो है वो किया गया था, क्योंकि इस तरीके की खबरें भी आ रही थी कि आरसीपी सिंह हो सकता है आने वाले दिन में बीजेपी में जा सकते हैं, तो वो बीजेपी में जाने से पहले उनके इमेज को जो है वो डैमेज किया जाए, उसको लेकर माना जा रहा है इस तरीके की जो आज ये पूरा खेल खेला गया और भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगाए गए। लेकिन इसका फल दरअसल ये हुआ कि आखिरकार शाम में आज थोड़ी देर पहले आरसीपी सिंह ने जो है वो जेडीयू से जो है इस्तीफा दे दिया, जमकर बरसे नीतीश कुमार पर।